जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा इस सवाल को, काफ़ी बहुत ही आसान है मेरे भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि जोड़ और घटाने में अंतर क्या है। मैं आपको चार इसमें सवाल बताने वाला हूँ जो कि जोड़ और घटाना दोनों ही होगा, तो लास्ट तक वीडियो देखिए, नहीं तो आप लोग ये सवाल नहीं समझ पाएंगे और कभी आप एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप फेल हो जाएंगे। तो समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्लस दिया है, इसको पहले आप ध्यान में रखिए, सारा अंक सेम है और ये रूट दिया है, ठीक है, और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देख लीजिए क्या होगा। देखिए सारा अंक समान है और सब में प्लस दिया है, तो ऐसा गुणा कीजिए जिसका गुणा करने पर 6 आए और उन दोनों का अंतर 1 आए। जैसे मान लीजिए आपका 12 है, तो गुणा करने पर क्या होगा, 4 × 3 बराबर 12 हो रहा है, इनका 4 में से -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ऐसे ही ये भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 6, तो 3 × 2 बराबर 6 आ रहा है ना। तो इसमें क्या चीज़ है, प्लस है, तो प्लस में बड़ा वाला अंक हम ले लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो बड़ा वाला ले लेंगे। चलिए एक और सवाल देख लीजिए जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए 12 है इसमें, तो 12 का क्या हमने बताया था, 4 × 3 बराबर 12, 4 × 3 = 12। देखिए आमने और इनका घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 − 3 बराबर 1 आ रहा है ना, 4 में से 3 घटाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका देखिए इसमें भी प्लस दिया है, मतलब जोड़ना है, और सारा अंक समान है जब ये होगा तो जोड़ना है, तो जोड़ वाले में जो बड़ा वाला अंक होता है वही लेंगे। देखिए 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ तो अब समझ में आ गया, अब घटाना आप कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी बता देता हूँ। तो देखिए घटाने के लिए भी हमारे पास वीडियो है, करणी में 6 दिया है और घटाना है, ठीक है, करणी में 6 माइनस करणी में 6 माइनस करणी में 6, सारा अंक समान होना चाहिए पहली बात, और ये माइनस माइनस ही होना चाहिए या प्लस प्लस होना चाहिए, तो इसमें माइनस माइनस है तो क्या होगा, 3 × 2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो प्लस में हम क्या ले रहे थे, बड़ा वाला अंक हम इसमें आंसर डाल रहे थे, लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस में छोटा वाला अंक सही हो जाएगा, तो 2 है छोटा वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल आपको दिखाता हूँ, इसको भी देख लीजिए, 20 है तो क्या करेंगे, इसको 5 × 20, ठीक है, 5 × 20, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, घटाने पे 1 आना चाहिए, तो इसमें देखिए घटाना है, तो अब आप इसमें कमेंट करके बताइए, यहाँ तक तो मैंने कर दिया, अब आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा या 4 होगा, तो कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में आपने देखा सरलीकरण, और ये माइनस प्लस का सारा खेल था और करणी का, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।